Hey guys, फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पे। तो आज हम फाइनली लेके आए हैं रेनॉल्ट की मोस्ट सेलिंग कार रेनॉल्ट काइगा, जिसका हम अभी टॉप वेरिएंट देख रहे हैं, जिसको हम लोग RXZ वेरिएंट भी कहते हैं। इसमें आपको क्या क्या खास मिल जाता है और 2023 के बिग अपडेशन में इसमें आपको क्या न्यू अपडेट देखने वाले हैं, तो इसकी वीडियो में बताने वाला हूँ। सबसे पहले अगर इसकी की बात की जाए तो की आपको इस तरीके से नॉर्मल देखने को मिल जाती है, जिसमें लॉक अनलॉक और यहाँ पे लाइट और यहाँ पे बैक साइड के डोर की आपको यहाँ पे बटन देखने को मिल जाती है। और साथ ही में अगर इसके प्राइस की बात की जाए तो इसकी एक शोरूम प्राइस है आपको 11,30,000 से स्टार्टिंग होती है एक शोरूम प्राइस। और अगर इसके इंजन की बात की जाए तो इसमें आपको वही 1 लीटर मैनुअल और ऑटोमेटिक पेट्रोल इंजन देखने को मिल जाता है, जो कि अच्छी खासी पावर आपको प्रोड्यूस करके देता है। वही इस सेगमेंट में आपको अच्छा खासा इसमें आपको इंजन देखने को मिल जाता है। अब साथ ही में अगर इसके फ्रंट साइड की बात की जाए, इसमें आपको क्या क्या चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। यहाँ सबसे पहले अगर बात की जाए तो यहाँ पे आपको डे टाइम DRL देखने को मिल जाती है, हाँ, लेकिन इसमें आपको डॉ मॉडल में भी यहाँ पे आपको हेलोजन इंडिकेटर देखने को मिल जाते हैं, जो मुझे थोड़ा बहुत यहाँ पे नेगेटिव पॉइंट लगा। साथ ही में अगर बात की जाए तो यहाँ पे आपको इसकी हेडलाइट आपको तीनों LED यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, जो कि भाई काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे आपको अट्रैक्टिव देखने को मिल जाती है। इसमें आपको कोई भी हेलोजन लाइट देखने को, फॉग लैम्प देखने को नहीं मिलता है। और साथ ही में फ्रंट साइड में आपको कोई भी इसमें पार्किंग सेंसर टॉप वेरिएंट में भी देखने को नहीं मिलता है। और यहाँ पे अगर बात की जाए तो 205 mm की ग्राउंड क्लियरेंस के साथ में रेनॉल्ट काइगा RXZ यहाँ पे आती है, जो अपने सेगमेंट में आपको अच्छी खासी ग्राउंड क्लियरेंस यहाँ पे प्रोवाइड कराती है। अब इसके साइड प्रोफाइल की बात करें तो यहाँ पे इसमें आपको 16 इंचेस के अलॉय व्हील देखने को मिल जाते हैं, जो कि आपको डायमंड कट के यहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं। और यहाँ पे फ्रंट साइड में आपको वेंटिलेटेड डिस्क ब्रेक इसमें आपको देखने को मिल जाते हैं। और यहाँ पे अगर बात की जाए तो यहाँ पे इसके टॉप मॉडल की RXZ की आपको बैजिंग देखने को मिल जाती है, और साइड इंडिकेटर यहाँ पे आपको RVM पे देखने को मिल जाते हैं। और यहाँ पे आपको पियानो फिनिश के साथ में यहाँ पे डोर हैंडल इसके देखने को मिल जाते हैं, जो रेड कलर में आपको ब्लैक कलर के देखने को मिल जाते हैं। और यहाँ पे अगर बात की जाए बैक साइड में आपको यहाँ पे ड्रम ब्रेक देखने को मिल जाते हैं रेनॉल्ट काइगा के टॉप वेरिएंट में भी। लेकिन अगर इसके साथ ही में बैक साइड के प्रोफाइल की बात की जाए तो बैक साइड के प्रोफाइल में आपको क्या क्या खास मिल जाता है। सबसे पहले तो यहाँ पे आपको डिफॉगर मिल जाता है, रियर वाइपर देखने को मिल जाता है, और यहाँ पे स्पॉइलर आपको न्यू डिजाइन का यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है, और साथ फिर एंटीना भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे अगर बात की जाए तो यहाँ पे आपको रूफ रेल भी देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे आपको बात करें तो यहाँ पे आपको LED टेल लाइट देखने को मिल जाती है, लेकिन इंडिकेटर आपको हेलोजन ही यहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं। और यहाँ पे रेनॉल्ट की बैजिंग देखने को मिल जाती है। और यहाँ पर साथ ही में बात करें तो बैक साइड में आपको यहाँ पे कैमरा देखने को मिल जाता है, और यहाँ पे आपको सेंसर, पार्किंग सेंसर बैक साइड में आपको देखने को मिल जाते हैं। तो ये था बैक साइड का, आप चल के देखते हैं इसके इंटीरियर में आपको क्या क्या खास मिलता है, तो आइए चल के देखते हैं इस कार का एक्सटीरियर। आप चल के अगर इसका इंटीरियर की बात करें, इंटीरियर में आपको कैसा खास मिल जाता है, यहाँ पे जैसे हम लोग इसके इंटीरियर के यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको क्रोम फिनिश का डोर मिल जाता है, और यहाँ पे आपको कीलेस एंट्री देखने को मिल जाती है। साथ ही में अगर बात की जाए तो यहाँ पे डोर में आपको काफी अच्छा अच्छा वर्क देखने को मिल जाता है, यहाँ पे चारों पावर विंडो का कंट्रोल मिल जाता है, और यहाँ पे ORBM कंट्रोल मिल जाता है, और साथ ही में यहाँ पे एक बड़ा सा आपको स्पीकर मिल जाता है, यहाँ पे आपको स्पेस मिल जाती है वाटर बॉटल या थोड़ी बहुत छोटी मोटी चीजें यहाँ पे आप रख सकते हैं। और यहाँ पे आपका अगर डोर हैंडल की बात करेंगे तो वो भी आपको यहाँ पे क्रोम का फिनिश का वर्क देखने को मिलता है, पियानो फिनिश वर्क मिलता है, मतलब आपको इंटीरियर काफी ज्यादा ब्लैकली फिनिश आपको देखने को मिलता है। जैसे अगर इंटीरियर की बात करें तो इंटीरियर आपको देख सकते हैं फ्रंट साइड में आपको पूरी तरीके से ब्लैक ही कलर में आपको देखने को मिल जाता है। अब अगर इसके इंटीरियर की बात करें तो यहाँ पे फ्रंट साइड में आपको ड्राइवर साइड की सीट हाइट एडजस्टेबल मिल जाती है, और साथ ही में यहाँ पे कोई भी आपको इलेक्ट्रिक या कोई भी आपको यहाँ पे वेंटिलेटर सीटें देखने को नहीं मिलती हैं। लेकिन जैसे हम लोग इसके इंटीरियर में जाएंगे तो यहाँ पे इसकी स्टीयरिंग आपको मल्टीफंक्शनल स्टीयरिंग देखने को मिल जाती है, और यहाँ पे आपको एक एयरबैग देखने को मिल जाता है, और एक एयरबैग यहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं। साथ ही में अगर बात की जाए तो यहाँ पे इसमें आपको 8 इंच की टच डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, और साथ ही में यहाँ पे ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल देखने को मिल जाता है, साथ में यहाँ पे आपको वायरलेस फोन चार्जिंग का ऑप्शन मिल जाता है, और यहाँ पे आपको स्टार्ट स्टॉप करने के आपको बटन देखने को मिल जाती है। 5-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ में ये कार आती है। और यहाँ पे अगर बात की जाए तो यहाँ पे आपको 3 ड्राइविंग मोड देखने को मिल जाते हैं, जो भाई टाटा नेक्सॉन के आने के बाद यहाँ पे इस चीज़ को अपग्रेड किया गया है रेनॉल्ट काइगा में। तो साथ ही में अगर बात की जाए तो यहाँ पे अगर स्पेस की तो यहाँ पे भी आपको इस तरीके से कुछ स्पेस देखने को मिल जाती है, और यहाँ पे एक आर्मरेस्ट के नीचे भी आपको अच्छी खासी स्पेस देखने को मिल जाती है, और यहाँ पे आपको मैनुअल हैंड ब्रेक देखने को मिलता है, और यहाँ पे USB आपको कनेक्टर देखने को मिल जाता है। और साथ ही में अगर इसकी स्क्रीन की बात करें तो जैसे हम यहाँ पे कार का इसका इग्निशन ऑन करेंगे तो आपको इस तरीके से कुछ यहाँ पे आपको व्यू देखने को मिलता है, और ये देखिए यहाँ पे आपको इस तरीके से कैमरा क्वालिटी भी आपको देखने को मिल जाती है इस कार के अंदर। और आपको यहाँ पे अगर फ्रंट साइड की बात की जाए तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा यहाँ पे आपको इसका स्पीडोमीटर देखने को मिल जाता है। और साथ ही में अगर आप स्पेस की बात करें तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से स्पेस देखने को मिल जाती है, और यहाँ पे भी आपको एक मिरर मिल जाता है, और इसके नीचे भी आपको स्पेस देखने को मिल जाती है, आपको LED लाइट देखने को मिल जाती है, ऑटोमेटिक यहाँ पे आपको ये रियर मिरर देखने को नहीं मिलता। और साथ ही में अगर बात की जाए इसके ग्लव बॉक्स की तो यहाँ पे आपको नॉर्मल वाले ग्लव बॉक्स देखने को
मिलता है। तो ये थी हमारी फ्रंट साइड में। अब इसके अगर सेकंड रो की बात करें तो वहां पे कैसी क्या स्पेस मिलती है, तो आगे चल के देखते हैं। की अगर बात की जाए तो जैसे इसका डोर ओपन करेंगे तो यहाँ पे भी वही आपको एज इट इज सेम देखने को मिलता है। और यहाँ पे अगर बात की जाए तो कोई भी इसमें आपको लेदर फिनिश का वर्क देखने को नहीं मिलता, सारा का सारा यहाँ पे आपको प्लास्टिक का वर्क देखने को मिलता है। और यहाँ पे आपको पियानो फिनिश की एक लाइन सी यहाँ पे आपको मिल जाती है, जो थोड़ा बहुत यहाँ पे आपको अट्रैक्टिव लुकिंग देती है। साथ ही में अगर इसकी इंटीरियर की बात करें सेकेंड रो की, तो यहाँ पे आपको एक रियर एसी देखने को मिल जाती है, और यहाँ पे आपको फास्ट चार्जिंग का यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे अगर बात की जाए तो भाई स्पेस आपको सेकंड रो में अच्छी खासी मिल जाती है। भाई देख ली अभी यहाँ पे इतना सारा गैप है और यहाँ पे आपको कुछ स्पेस सी देखने को मिल जाती है। तो और यहाँ पे अगर बात की जाए तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे भी आपको एक आर्मरेस्ट देखने को मिल जाता है, जो सेकंड रो के लिए भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है, जो कि भाई निसान मैग्नाइट के कूरो स्पेशल एडिशन में देखने को मिलता है। लेकिन भाई ये आपको रेनॉल्ट के RXZ टॉप वेरिएंट में आपको ये फीचर्स देखने को मिल जाता है। अब इसकी अगर बूट स्पेस की बात करें कैसे क्या मिलता है, तो आइए चल के देखते हैं। बूट स्पेस की बात की जाए तो बूट स्पेस भी यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छी मिल जाती है। भाई देखो एक तो 5-स्टार रेटिंग कार, ऊपर से इसका भाई डोर भी काफ़ी ज़्यादा आपको इसका टेलगेट भारी देखने को मिलता है। और यहाँ पे आपको 405 लीटर की बूट स्पेस मिल जाती है, जो कि भाई काफ़ी ज़्यादा आपको बूट स्पेस अच्छी यहाँ पे देखने को मिल जाती है। और यहाँ पे आपको कैसे क्या मिलता है, यहाँ पे आपको एक होल्डर देखने को मिल जाता है, जो दोनों साइड में आपको देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे आपको कुछ ये इस तरीके से विंड से देखने को मिल जाती है। साथ ही में अगर बात की जाए तो यहाँ पे आपको इसका स्पेयर व्हील देखने को मिल जाता है, जो आपको मिलेगा 15 इंच का। यहाँ पे आपको इसका स्पेयर व्हील देखने को मिल जाती है, मतलब अगर आप कभी कभार स्पेयर भी भूल जाते हैं तो यहाँ पे आप अपनी बूट स्पेस इंक्रीज कर सकते हैं ईजिली। तो भाई यहाँ पे अगर बात की जाए ओवरऑल यहाँ पे RXZ टॉप वेरियंट रेनॉल्ट काइगर की, तो भाई यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छे अच्छे फीचर्स देखने मिल जाते हैं। भाई आपको स्पेस तो इस कार में भर भर के मिल जाती है, तो भाई नो डाउट ये कार अपने सेगमेंट की बेस्ट एंड बेस्ट कार है। आप लोगों को कैसी लगी मेरे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू वेरी मच।